नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू नई सुबह मैथ्स ट्यूटोरियल फॉर फाउंडेशन कोर्स। मैं हूँ अनम तारिक। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। लेट्स सपोज हम एक सर्कल लेते हैं, जैसे कि एक पिज्जा होता है, उसके अगर हम 4 पार्ट्स कर दें तो हर पार्ट फ्रैक्शन होता है। अगर इसमें से एक स्लाइस, एक पार्ट निकाल दें तो कितने बचेंगे? 3 out of 4। तो होल जो पूरा पिज्जा है उसके कितने पार्ट्स हैं? 4। अभी हमारे पास हैं 3, तो इसको हम कहेंगे फ्रैक्शन में 3/4। अगर एक और निकाल दें और बाकी बचे 2, तो हम कहेंगे 2/4। एक और निकाल दें और बचेगा 1, तो हम कहेंगे या हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/4। 4 वो है जो कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है इस पिज्जा का, और 1 या 2 या 3 या फिर 4 जो कि रह गया है या हमारे पास है या हमने किसी को दिया है। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन हम लिखते कैसे हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि एक पिज्जा है और उसके पार्ट्स हैं 4, और उसमें से एक पार्ट मैंने ले लिया। तो मैंने कितना पिज्जा लिया? मैंने 1/4 पिज्जा लिया। 1 है न्यूमरेटर जो हम ऊपर लिखेंगे 1। 1 के नीचे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि है फ्रैक्शन लाइन। फ्रैक्शन लाइन के नीचे हम लिखेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो कि होल पार्ट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो कि है 4। 4 हम नीचे लिखेंगे, ये बना 1/4 या फिर 1/4, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं 1/4। लेट्स सपोज अगर मैं ड्रॉ करती हूँ एक ट्रायंगल और उस ट्रायंगल को 8 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ और आपको देती हूँ 3 पार्ट्स, तो ये क्या बना? 8 क्या है? डिनोमिनेटर जो कि नीचे आएगा और फ्रैक्शन लाइन के ऊपर आएगा 3। ये हुआ 3/8 या 3/8। रिमेंबर जो भी पार्ट्स किए जाएंगे किसी भी चीज़ के, वो इक्वल होने चाहिए, इक्वल पार्ट्स ऑफ होल थिंग। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कुकी, मेरे पास एक कुकी है यानी कि बिस्किट, उसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में हाफ हाफ कर दिया। उस एक कुकी के टोटल कितने पार्ट्स बने? 2, यानी कि डिनोमिनेटर क्या बना? 2, जो कि नीचे आएगा फ्रैक्शन लाइन के। और एक मैंने खाया और एक आपने, यानी कि मैंने जो कुकी खाया वो था 1/2 और जो आपने कुकी खाया वो भी था 1/2। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें और उसके 3 इक्वल पार्ट्स करें। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम कलर कर देते हैं रेड और थर्ड पार्ट में येलो, तो इसमें से हमने 2 पार्ट्स को रेड कलर किया और 1 पार्ट को येलो। अगर हमें बताना है कि इसमें से कितने पार्ट्स को रेड कलर किया गया है, तो हम किस तरह बताएंगे? 2/3 of this object is colored red। हमारे पास total pets हैं 7। इसमें हमारे पास 4 dogs हैं, 2 cats हैं और 1 rabbit है। तो अगर हमें बताना हो कि हमारे pets में से total कितने dogs हैं, तो हम कहेंगे 4/7। अगर हमें cats का बताना है तो total 7 pets हैं और cats हैं 2, तो हम कहेंगे 2/7। अब अगर हमारे पास एक सर्कल है और वो सर्कल 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है और उसमें से 7 पार्ट्स को हमने ग्रीन कलर किया है, तो हम कहेंगे 7/12 या फिर 7/12। आपके पास एक चॉकलेट है, आपने उसके 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं और उसमें से 2 पार्ट्स आपने रख लिए हैं और 2 पार्ट्स किसी और को दे दिए हैं, तो क्या फ्रैक्शन बनेगा?
कौन सा नंबर डिनोमिनेटर होगा और कौन सा नंबर न्यूमरेटर होगा ये आपने हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।